आपण देखुछंती ईटीवी न्यूज ओडिया खबर ही जीवन। छात्र संसद निर्वाचन पर ईटीवी चली स्वतंत्र अभियान कैंपस पॉलिटिक्स रे आम आज पहुंची तो बीजेपी कॉलेज रे राज्यर नंबर वन कॉलेज हिसाब से गणा होउची बीजेपी कॉलेज एवं एते गंडगोल सत्वे एटी निर्वाचन करा जाउची एवं एटा गोटे उदाहरण सृष्टि करिछि एते गंडगोल सत्वे पिला गणतांत्रिक अधिकार सब्यस्त करिवे एवं जो लीडरशिप क्वालिटी ग्रो करिबा कथा जो प्रार्थी होइछन्ति सेमानको सुजोग मध्य दियाजिबो एवं आम सांगे आज अछन्ति जो प्रार्थी होइछन्ति सेमाने अछन्ति जो मैंने साधारण छात्र छात्री अच्छा से अच्छा समर्थक अच्छा गुरुत्वपूर्ण कथ हूँ एठिकार अध्यक्ष जी मोहम्मद नवाज हसन से अच्छा प्रबोध सार अच्छा आम सांगे जे कि दायित्व अच्छा निर्वाचन दायित्व अच्छा आम सीधा सड़क भावे आरंभ कर अध्यक्ष एत गंडगोल सत्वे एत दृढ़ मानसिकतार परिचय से देखते और निर्वाचन परिचालन कर सर आपको स्वागत करी ईटीवी स्वतंत्र कार्यक्रम कैंपस पॉलिटिक्स को एत गंडगोल सत्वे भुवनेश्वर बहु कलेज निर्वाचन बंद करा दृढ़ से संभाली पारे ना कह राज्यर विभिन्न कॉलेज रे निर्वाचन बंद करागला से गंडगोल जो तेणु आपत दृढ़ मानसिकतार परिचय दे ओवरऑल कौन कहे कमी संभाली जाए ए सब यार क्रेडिट आम पिला बीजेपी कॉलेज रे पिला माने बहुत भल से डेमोक्रेटिक नॉर्म्स एथिकल स्टैंडर्ड्स सब फॉलो करती शांतिपूर्ण प्रक्रिय विश्वास करती डेमोक्रेटिक प्रोसेस रे विश्वास करती तेणु से जगू यहाँ संभव है मुझ तो पूरा क्रेडिट आम पिला मेन मेजर क्रेडिट से देवी बर्तमान मुझ प्रबोध बाबू पाखक आसवि से निर्वाचन परिचालना दायित्व अच्छा ये मेजर कथ हो निर्वाचन आवश्यकता जो अभियान ईटीवी आरंभ कर प्रकृत से जो आगु उद्देश्य था आज बरकरार रही उद्देश्य साधित हो लक्ष्य भ्रष्ट होमें सर कौन कह आमे छात्र छात्री मानको निर्वाचन रे अंशग्रहण करने को कहूँ कहीं से गणतांत्रिक उपाय रे केमिति निजे निजर प्रतिनिधि बाछिबे निजे निजर काम को परिचालना करिपारिबे ताहाकु सिखिबे बोली एवं यहाँ अति सफल होइछि आम महाविद्यालय रे तार सबुठ बड़ कारण है आम छात्र छात्री माने सबुठारु भल छात्र छात्री आम कॉलेज रे पाइथाउ एमानकर गुणवत्ता एमानकर चरित्र एते उन्नत जे आमे याठार अधिका भल छात्र पाइबू ता भी भावुनु से जो लक्ष्य नहीं आयोजन होता आरंभ होता छात्र संसद निर्वाचन ताहा आज वर्तमान परिपालन होउची ना लक्ष्य भ्रष्ट हो खाली गोटे फंक्शन रे सीमित रहुची पिला माने जो होती कैंडिडेट जो जितुचंती सेतिक रे सीमित रहुची ना प्रकृत लीडरशिप क्वालिटी ग्रो होउची देखंतु समाज रे जहां घटिब ता सबु शिक्षानुष्ठान रे प्रतिफलित हेबो शिक्षानुष्ठान जहां बाहर मध्ये घटुची ताहाटी प्रतिफलित होउची जमी गोटे देशर नागरिक माने जिते भल हे देश निर्वाचन से भल हम सेमती मो कलेजर आम महाविद्यालय छात्र छात्री मैंने भल हो गुण भल होने गणतांत्रिक प्रथा को परंपरा को से भल भाव चलई नौ सीधा सड़क मुझ कैंडिडेट जो मैंने पाखक जी सीधा सड़क भाव में जे सभापति प्रार्थी आम सांगे अच्छा दुईज यही कंपीट करजेपी कलेज मुखक जी तुमको पचारे चाहिए छात्र संसद निर्वाचन कहिले सभापति प्रार्थी हिसाब से तुम्हें कौन बुझ कौन उद्देश्य रही तुम्हें ठिया हो मनरे कौन अच्छी कौन करिवार उत्साह अच्छी कहीं ये निर्वाचन हुए देखो नॉर्मल तो सब वर्ष इलेक्शन हुए कॉलेज रे एंड एटा जो इलेक्शन टा पिला गोटे लीडरशिप क्वालिटी टा देखा जाए कि यहाँ स्टूडेंट्स जो फर्स्ट स्टेप थाए पॉलिटिक्स को जो मैंने इंटरेस्टेड था फर्स्ट स्टेप थाए छात्र निर्वाचन तो छात्र निर्वाचन जो लीडरशिप क्वालिटी जो भितर था यहाँ को आम बाहर को आणु जो मैंने बहुत कॉम्पिटेटिव था जो मैंने क्वालिटी देखे पारती से जयुक्त हूँ लीडरशिप क्वालिटी ग्रो करार कथ आज जे सभापति प्रार्थी आम सांगे अच्छा प्रकृत में लीडरशिप क्वालिटी ग्रो होना केवल गोटे स्टैंडिंग सेक् मुझ ठिया हे प्रार्थी हे एमती सेक्रे ठिया हो तुम्हें आजिकल ट्रेंड कौन अच्छे जहाँ सभापति प्रार्थी मानक तो किसी गोटे उद्देश्य थाए कि इलेक्शन जितला आम ये कमटा करूँ ये कमटा करूँ आउ से जो छोट जो पोस्टा थाए सेक्रेटरी पोस्ट सब थे से पाला टी गए जस्ट फॉर सेक ऑफ इलेक्शन दैट आई विल जस्ट स्टैंड एंड पीपल विल रिकॉग्नाइज मी से स्टैंड करती आउ जे प्रार्थी पाखक जी लीडरशिप क्वालिटी कथ आसमें सब कथा कौचे से कथ कि आजिकल ट्रेंड जहाँ देखा अतीत कहे इतिहास कहे बहुत भल भल नेता मंत्री यही जगार कि विभिन्न कलेजु जाने आगे लीडर होती एठू बीजेपी कॉलेज आईएएस आईपीएस का लिस्ट देखुली से मोर मध्य जाने से तो सीधा सब पचार चाहिए प्रकृत में एवं जो पिला प्रार्थी होती आगू जाते लीडर हो पार्थ तुम्हें जे प्रार्थी तुम कौन कह चाहिए यू प्रकृत यू जाऊँ तुम्हें आगू जाकि लीडर हो ना तो एमती इन जनरल लाइफ रे रही ऑब्वियसली एत बड़ प्लेटफॉर्म मिलूँ इलेक्शंस फाइट करने को मिलूँ एक्सपीरियंसटा गेन होंड कह गले वी आर दी
ଫ୍ୟୁଚର ଅଫ୍ ଦି ନେସନ୍, ୱି ଆର୍ ଦି ଫ୍ୟୁଚର ଅଫ୍ ଦି ଷ୍ଟେଟ୍। ସୋ ଆମେ ଡେଫିନେଟଲି ଲୁକ୍ ଫରୱାର୍ଡ କରୁଛୁ କି ଯାହା ବି କରିବୁ ଭଲ ଭାବରେ କରିବୁ, ପିସ୍ଫୁଲି ଇଲେକ୍ସନ୍ସ କରିବୁ, ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂରେ କରିବୁ, କୋପରେସନ୍ ସାଙ୍ଗରେ କରିବୁ, ଆଉ ସବୁ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ନର୍ମସ୍କୁ କରେକ୍ଟ ପ୍ରୁଫ୍ କରିକି ବହୁତ ପିସ୍ଫୁଲି ଇଲେକ୍ସନ୍ସଟା ସାରିବୁ। କିଛି ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ କଥା ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଧାସଳଖ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା, ପଚାରିବୁ ଯିବା ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସେମାନେ ଜାଣିବାରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରାଏ। ତ କେତେ ଦୂର ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ? ତୁମେ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହିଁବ? ଆଜି ଜେନେରାଲ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଅଛ ତୁମେ, ତ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏଉଠୁ ତୁମେ ଜାଣ ଛାତ୍ର ହିସାବରେ, ଆଗକୁ ଜେନେରାଲ ନିର୍ବାଚନ ହେବ, ତୁମେ ସାମିଲ ହେବ, ତୁମେ ମଧ୍ୟ 18 ବର୍ଷ କ୍ରସ୍ କଲା ପରେ ସେଇଠି ଯାଇକି ସାମିଲ ହେବ, ଭୋଟ୍ ଦେବ, ଏଇ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ତୁମେ କ'ଣ ଶିଖ? ଏ ଜାଗା ଆମେ କଲେଜରେ ଶିଖିବା ଯେ କିଛି ଭଲ କାମ କରିକି ଆଗକୁ ଯେମିତି ଦେଶର ଗଢ଼ିପାରିବା, ଏ ଯେଉଁ ବାଡ଼ିଆ ବିଡ଼ା ଗଣ୍ଡଳ ଏସବୁ ଦୂର କରିକି କିଛି ଭଲ ଉତ୍ତମ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଆମେ କିଛି କରିପାରିଲେ ଆମକୁ ଏଇଟା ଖୁସି ଲାଗିବ ଯେ ଆମେ କିଛି ଭଲ କରିପାରୁଛୁ। କଲେଜରୁ କିଛି ଶିଖିକି ଯାଇକି ଆମେ ଦେଶ ପାଇଁ ବା ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ କିଛି ଭଲ କାମ କରିପାରିବା, ଏଠୁ ଅଲଗା କିଛି କାମ ଶିଖିବା ଭଲ ନୁହଁ, ଯାଇକି ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ ଶିଖିବା ଆମର ଏଇଟା ଲକ୍ଷ୍ୟ। ବାଡ଼ିଆ ପିଟା ଗଣ୍ଡଗୋଳରୁ ଦୂରେଇ ରହିବେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଜିନିଷ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉନୁ। ବାଡ଼ିଆ ପିଟା ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିର୍ବାଚନର ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ, ଆଗକୁ ଆମେ ଯାହା ଦେଖୁଛେ ପ୍ରଥମେ ହେଉଛି ବାଡ଼ିଆ ପିଟା ଗଣ୍ଡଗୋଳ, ତା ବାଦ ଆମେ କିଛି ଦେଖିପାରୁନେ, କିନ୍ତୁ ଖାଲି କଥାରେ ସୀମିତ ରହୁଛି। ଆଉ ଜଣେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି, ବାଡ଼ିଆ ପିଟା ଗଣ୍ଡଗୋଳ କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକତା ରହୁଛି? ସେ ଛାତ୍ରଟିଏ ମନା କଲା ବାଡ଼ିଆ ପିଟା ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଆମେ ଦୂରେଇ ରହିବୁ, ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଆମେ ଲିଡରସିପ୍ କ୍ୱାଲିଟି ଗ୍ରୋ କରିବୁ, ତ ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବାଡ଼ିଆ ପିଟା ଗଣ୍ଡଗୋଳ କାହିଁକି ହେଉଛି? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବାଡ଼ିଆ ପିଟା ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଯାହା ବି ହେଉଛି ଅଣଛାତ୍ର ପ୍ରବେଶ ଯୋଗୁଁ ହେଉଛି, ଆଉ ସେଇଟା ଆମେ ଯଦି କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନେବୁ ଆଜ୍ ଏ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ବିକଜ୍ ସେମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଏଣ୍ଟ୍ରି କରୁଛୁ, ଯଦି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସ୍କୋପ୍ ନଦେବୁ ବାଡ଼ିଆପିଡ଼ି ହେବନି। ଆପଣମାନେ କାହିଁକି ସ୍କୋପ୍ ଦେଉଛନ୍ତି? ସ୍କୋପ୍ କାହିଁକି ଦେଉଛନ୍ତି? ଆପଣମାନେ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଦୂରେଇ ରଖିବେ, ଦୂରେଇ କାହିଁକି ରଖାଯାଉନି? ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ସବୁଦିନ ଆମେ ଆର ବର୍ଷ କରୁଥିଲୁ ଯାହା ଥିଲା, ଏ ବର୍ଷ ସେ ଆଗାମୀ ବର୍ଷ ବି ସେଇ କଥା ଶୁଣିବୁ, କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ଦୂରେଇ ରଖିବେ? ଆପଣ କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ଲଗ୍ନଜୀ? ଦୂରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଅଣଛାତ୍ର ଯେଉଁଟା ଛାତ୍ର ନିର୍ବାଚନ ହେଲା, ଯେଉଁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଲୋକ ଜଣେ ଲୋକାଲିଟିସ୍ ରହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କିଛି ପ୍ରଭାବ ରହୁଛି କଲେଜ ଉପରେ, କାହିଁକି ନା ବିଜୟ କଲେଜ ପାଖାପାଖି ଲୋକାଲିଟି ଦେଖିଲେ ଓଲ୍ଡଟାଉନ୍ ରହୁଛି, ବରଗଡ଼ ରହୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ମାନେ ଲୋକାଲିଟିସ୍ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀଟା ରହୁଛି, ତାଙ୍କର କଲେଜ ପାଖରେ ପିଲାମାନେ ଡରଉଛନ୍ତି, କାହିଁକି ତାଙ୍କର ବହୁତ ମାନେ ଆଣ୍ଟି ସୋସିଆଲ୍ ୱାର୍କ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ଯେହେତୁ ଆମେ ମାନେ ବହୁତ ଛୁଆ ଅଛୁ, ସେମାନେ ବହୁତ ଆଉ ଆମଠୁ ବଡ଼ ହେବେ, ସେମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି ବହୁତ ଜିନିଷ, ସୋ ଆମେ ଟିକେ ଡରିଗଲା ବେଳେ ପିଲାମାନେ ବି ଡରୁଛନ୍ତି। ସେଟା କିଭଳି ଗୁରୁତର ଅଭିଯୋଗ, ସିଧାସଳଖ ମୁଁ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବି ଯେ ଲୋକାଲାଇଟ୍ରେ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଲୋକ ରହୁଛନ୍ତି, ରାଜନୈତିକ ଇନଭଲ୍ଭମେଣ୍ଟ ସେମାନଙ୍କର ରହୁଛି, ତାଙ୍କୁ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେଉଛନ୍ତି ଡରି ଯାଉଛନ୍ତି, ସାର୍ କ'ଣ କହିବେ? ଆପଣ କ'ଣ ସେ ଡରକୁ ଦୂରେଇ ପାରିବେନି? କାହିଁକି ସେମାନେ ଡରୁଛନ୍ତି? ପିଲାମାନେ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ପିଲା, ଆପଣ ତାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱରେ, ସେମାନେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ଠିଆ ହେବାକୁ ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତା ବି କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଫସି ଯାଉଛନ୍ତି, ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ଇନଭଲ୍ଭ ହେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ, ସାର୍ କାହିଁକି? ସାର୍ କାଉନ୍ସେଲିଂ ଦରକାର ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ କହିବୁ, କହି ଆସୁଛୁ, ଏବଂ କାଉନ୍ସେଲିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟା ସବୁବେଳେ ଜାରି ରହେ ଯେ ଡରିବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ୟୁ ବି କରେଜିୟସ୍ ଆଣ୍ଡ ଫେସ୍, ଆମର କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲେ ଆମକୁ ଆସିକି ଜଣାଅ, ଆମେ ତାର ସମାଧାନ ବାହାର କରିବୁ, ତେଣୁ ସେମାନେ ଡରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଇଟିଭିରେ ସେମାନେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସମ୍ମୁଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିଲେ ଯେ ସେମାନେ ଡରୁଛନ୍ତି, ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ସାମିଲ ହେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଲିଙ୍କ ରଖୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଅଣଛାତ୍ର ପ୍ରବେଶ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କାରଣ ହେଉଛି, ଯେଉଁଟା ମୁଖ୍ୟ ଇସ୍ୟୁ ସାରିଛି। ଆପଣ କ'ଣ ତାକୁ ଦୂରେଇବା ପାଇଁ ଏବେଠୁ ଉଦ୍ୟମ କରିବେ କି? ନିର୍ବାଚନ ଚାଲିଛି। ନିଶ୍ଚୟ ନିଶ୍ଚୟ ଆମର ଉଦ୍ୟମ, ଆମେ ନିଜ ଭିତରେ ଆମର ଯେଉଁ ସିନିୟର ଟିଚର୍ସ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଆଡଭାଇଜରୀ କମିଟି ଅଛି, ତା ଭିତରେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିକି ଏ ଡରଟାକୁ ଦୂରୀଭୂତ କରିବା ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଷ୍ଟେପ୍ସ ନେବୁ। ଅଣଛାତ୍ର ଫ୍ରି ଇଲେକ୍ସନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲା ମାନିଲେ, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ମାନୁଛନ୍ତି, ତ ଆମେ ଦେଖିବା କି ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରୋସେସ୍ ଚାଲିଛି, ଆପଣ ତା ଭିତରେ ଦୂରେଇ ଦେବେ 2 ଦିନ ଭିତରେ? ଆମେ ଦେଖିବା, ଆମେ ପାରିପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ସାର୍ କହିଲେ ପାରିପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆସୁଛି, ନେକ୍ସଟ କଥା ଆସିବା, ଯେଉଁ ରାଜନୈତିକ ସମ୍ପୃକ୍ତିର କଥା ଆସେ, ପଲିଟିକାଲ୍ ଇନଭଲ୍ଭମେଣ୍ଟର କଥା ଆସେ, କାହିଁକି ରାଜନେତାମାନେ ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି ଏ ଛାତ୍ର ନିର୍ବାଚନକୁ, ଲାଭ କ'ଣ ପାଆନ୍ତି ସେମାନେ? ସିଧାସଳଖ କିଛି ଆମେ ଜେନେରାଲ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା, ପ୍ରକୃତ ରାଜନୈତିକ ଲୋକ ସେଇମାନେ ଭୋଟ୍ ଦେବେ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଭୋଟ୍ ଦେବେ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଯେ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ହେଇଛନ୍ତି ନିର୍ବାଚିତ ହେବେ, କିନ୍ତୁ ରାଜନୈତିକ ଲୋକମାନେ କ'ଣ ପାଆନ୍ତି ଏଇ ଜାଗାରେ, କାହିଁକି ଇନଭଲ୍ଭ ହୁଅନ୍ତି? ତୁମେ କହିବ, ରାଜନୀତି ଲୋକମାନେ କାହିଁକି ଇନଭଲ୍ଭ ହୁଅନ୍ତି? ତୁମେ ତ ଭୋଟ୍ ଦେବ, ସେ ପିଲାଟି ଠିଆ ହେଇ ସେ ଜିତିବ, ତୁମେ କାହିଁକି ରାଜନୈତିକ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କାହିଁକି ରୁହେ ଜାଗା? ଦେଖନ୍ତୁ ସାର୍, ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ଫାର୍ଷ୍ଟ କଥା, ପିଲାମାନେ ନିଜ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ୟୁନିୟନ୍ ପାୱାରକୁ ଭଲସେ ରିଲାଇଜ୍ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। କଲେଜ ଇଲେକ୍ସନ୍ସ ହେଉଛି, ଏଇଟା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ୟୁନିୟନ୍ ଇଲେକ୍ସନ୍, ମାନେ ଏତେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ଙ୍କର ପାୱାର୍ ଅଛି ଭୋଟ୍ କରିବାକୁ, ବଟ୍ ସେମାନେ ନିଜର ୱିକ୍ନେସ୍କୁ ଲୁଚାଇବା ପାଇଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ବେଣ୍ଡ ହେଉଛନ୍ତି ପଲିଟିକାଲ୍ ପାର୍ଟିଜ୍ର ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ପାଇଁ। ଏଇଟା ପିଲାଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ହିଁ ହେଉଛି, ପିଲାଙ୍କର ନିଜ ୱିକ୍ନେସ୍ ଯେତେବେଳେ ପିଲା ନିଜେ ରିଅଲାଇଜ୍ କରିଯିବେ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଲିଡର୍ ହେଉଛୁ ଆମର କିଛି ୱିକ୍ନେସ୍ ରହିବା ନ ଦରକାର, ସେଇଟା ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ରିଅଲାଇଜ୍ କରିଯିବେ ପଲିଟିକାଲ୍ ପାର୍ଟିର ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସ କମିବ, ଆଣ୍ଡ ସେତେବେଳେ ହିଁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ୟୁନିୟନ୍ର ଆକ୍ଚୁଆଲ୍ ମିନିଂରେ ଇଲେକ୍ସନ୍ସ ହେବ। ପଲିଟିକାଲ୍ ପାର୍ଟିଜ୍ର ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ରହୁଛି କାରଣ ଲିଡର୍ମାନେ ଦୁର୍ବଳ। ଆଉ ଜଣେ ମୁଁ ସଭାପତି ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବି, ତୁମେ ଦୁର୍ବଳ, କାହିଁକି ଦୁର୍ବଳ ତୁମେ? ତୁମେ କାହିଁକି ନିଜେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ହୋଇପାରୁନ? କ'ଣ ଅସୁବିଧା ରହୁଛି? ତୁମେ କାହିଁକି ଢଳୁଛ ରାଜନୈତିକ ପାର୍ଟି ଆଡ଼କୁ? ମୁଁ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋତେ କେଉଁ ପଲିଟିକାଲ୍ ପାର୍ଟି ସପୋର୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତି, ମୁଁ କେଉଁ ପଲିଟିକାଲ୍ ପାର୍ଟିରୁ ହେଇନି,
किंतु जेहेतु मुझे तीन वर्ष छात्र काम करती मतलब छात्र मैंने निजे स्टैंड करते आपने निजे देखिपारे कि एति होर्डिंग लगी एति पोस्टर सब लगी किंतु आमर एना रिसेंटली मैंने पांच दिन सात दिन लिंग कमिशन रूल दु दिन पूर्व को गोटे खाली पोस्टरटा लगी आपर्यंत आम कि भी मैंने पैसा खर्च ही है कहीं छात्र मैंने मतलब डायरेक्ट सपोर्ट करते तुम कौन भावु जो राजनैतिक संपृक्ति रहे पैसा पत्र दिखते आवश्यक पड़े छाड़ी तुम्हें कैंडिडेट हो पार ना कि लड़ी पार ना एम भावु कि सेमती किसी हाँ कह सर आपण जो ये कथाटा कहले जे आपण दुर्बल पड़ुछंती आमे आमे निजे भी भावुनी जे आमे दुर्बल पड़ुछु जदि जने भाबीदेला जे आमे दुर्बल पड़ुछु तेबे आमे जीति ही पारिबुनी आमे तांकु आमे जानिचु जदि किछिटा सपोर्ट फाइनेंशियल मिलुछे जो आपण कथाटा कहले छात्रंकर संगठन आपण जदि रूल्स देखिबे तो रूल्स रे ही लिखा है कि जे नो पॉलिटिकल पार्टी शुड इन्वॉल्व इन इट डायरेक्टली राइट तो ता बादे आमे जदि ठिया होचु तो आमे कहा कहा पई ठिया होचु आमे होचु छात्रंकर संगठन छात्र आम सहित अछंती छात्र ही आमको उच्चारे ठिया करिछंती बुझिले एटा तुमे कहुचो मु तुमटु सुनुची एटा किंतु समस्त भी कहुचन कथा रे सीमित रहउची आमे काई काई गंडोळ होउची काई से माने इन्वॉल्व होउचंती जो गंडोगोल कथा आपण कहउचंती गंडोगोल सेतेबेले हबनी जदि समस्तक भीतर से दृढ निश्चितता थिबो जे आमे गोटे डेवलपमेंट में ठिया होम निज भितर से आइडियोलोजी थी जे आम ये ठिया हाँ चाहूँ कापी निज कॉलेज पे जो गोटे कहती से ही गोटे जन्म है कि निज सहित निज समाज को भी आगे बढ़ाए राइट तो आम निज सहित निज कॉलेज को भी आगे बढ़ावा चाहूँ कहीं आसुनी समस्त मन में धारणा कहीं समस्त कथार सीमित रखुं कहीं कार्य करना से कथा कौन कह तुम कहीं कथार सीमित रोचे से पिलाटी जो कथ कहला ठीक कथ कहला तुम्हें भी से कथ कह तो कहीं कार्य में परिणत होने आम कहीं देखुने सब पावर पर समस्ते ऊपर को आने पॉलिटिकल पार्टी अच्छा पॉलिटिकल पार्टी माने जदि आमको सपोर्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली आमर पावर बढ़े यही धारणाटा रही आसूच ये धारण रही आसू कि आमर कौन हम कथ आम निजे गोटे माइलस्टोन सेट करू आम निजे देखेबू कि आम पाखे पावर अच्छी वी अल्सो हाव सम पोटेंशियल आमको निजे देखेबार अच्छे कि आम पाखे पावर अच्छे आमको कह सपोर्ट दरकार नहीं आम निजे काम करू आमको समस्त कोऑपरेट कर समस्त कोलाबरेशन आम जितबू फर्दर वर्ड्स आवर रेस्पॉन्सिबिलिटी विल बी टू हेल्प यू अच्छा राजनैतिक सहयोग कथा ये आउ गोटे कथा आसू कि मो मन में आसू धारणा मुझे पचारे चाहिए जे मुठी कैंडिडेट हैली आगु को मोर विधायक हबार अच्छे कि कौटी गोटे कर्पोरेटर हबार अच्छी तेना मुझे ये राजनीति करी आगू तक लिक न रखी तेनाली कि आवश्यक मैं किसी लाभ पाई मुझे धारणा रोचे कि ना ना सेमती किसी नहीं भारत भाई गोटे सार्वभौमत देश में आम समस्त को एका प्रकार सुविधा मिलू समस्त अधिकार अच्छी कि आम निजे निज को हेल्प कराऊ जेहेतु आम कलेज समस्ते आमको सपोर्ट करणा नीच भावना रही मनरे आवश्यक नुह आ गोटे पार्ट को आसबि बर्तमान गला राजनीति संपृक्ति कथ आ गोटे मेजर पार्ट हूँ बर्तमान काली जो बहु कलेज गंडगोल हो बंद होती गोटे कथ आदि जो लिंगडो कमिशन नियम जो बर्तमान गंडगोल है कैनसलेसन है बहु प्रार्थी प्रार्थीपत्र नाकच है नाकच कहीं जदि लिंगडो कमिशन नियम अच्छी 75% कौन क्रिमिनाल एक्टिट नो आ गोटे कथ हूँ जो मैंने आगु प्रार्थी कैंडिडेट जीति थे ठिया पार तो जानते से प्रार्थी मैंने तो कहीं आउ थे रिपीटेडली पका कटिगला पुणी गंडगोल कर बंद करती तुमको पचारि कहीं बंद हुए एमती जानती प्रार्थीपत्र दाखल करते कि पॉलिटिकल पार्टी जी भी कैंडिडेट होती जानवा कथ पिलाटर बैकग्राउंड कौन अच्छी तो कहीं पका पुणी गंडगोल कर निर्वाचन कहीं बंद करती देखु कि जो कॉलेज रे थाए किसी पिला मैं जो मैंने बहुत पॉपुलर था से मैंने नॉर्मल समस्त कैंडिडेट करें कहीं सब कैंडिडेट को गोटे थाए जी गोटे कैंडिडेट हुए सीए फर्स्ट मैंने गोटे कॉलेज रे बहुत पॉपुलर पिला दरकार कहीं पिला जमी चिन्ह बिकज गोटे नॉर्मल ले पर्सन को जब आणिकी तुम स्टैंड कर कष्ट सो पिलाटा जो मैंने जी फेमस थे कराइले भल हम बट से देखते नहीं कि से पिलार बैकग्राउंड कौन अच्छी तार नॉमिनेशन रही ना दे भावे शक्ति से कैंडिडेट लग्न जी भावार किसी कथा न था तो तुम गाइडलाइन अच्छी गाइडलाइन में तुम्हें कटिज भावार कौन अच्छी सीधा सड़क भाव तो गाइडलाइन अनुसार तुम 75% अच्छी ना तुम जानव तुम बैकग्राउंड क्रिमिनाल अच्छी ना तुम जानव तुम तो सीधा कह ना हो पार प्रार्थी तो करके गंडगोल कर तुम कथ कहनी अन्य जो कर कहीं कर देखो गंडगोल से सृष्टि कर मैंने भावार तो किसी ना किंतु माने से मनोकामन से था कि हाँ आम जहाँ भी आम जीतीजु आम पचर बैकअप अच्छी से किसी कर जितेदे आमको से ही भावन से आसू तुम पाक सार मुझे पचार चाहिए आपको मेजर कथ अच्छी जो लिंगडो कमिशन नियम कथ कौन अभोग आसे बारंबार विभिन्न कलेज बीजेपी न आसू जे आमको जो 75% जो कथ कहूँ विभिन्न जगार भितिरिया जदि किए निजर था कि पॉलिटिकल प्रेशर एमती हुए कैंडिडेट कराई दिया मिछर से ही अभोग भी विभिन्न जगार आई आप कमी खंडन करते प्रकृत आप गाइडलाइन को पूरा पूरी पालन करती कि बाध्य गाइडलाइन पालन करने को कारण यहाँ सुप्रीम कोर्ट रो
निर्देश अनुसार लिंगड कमिटी गठन करेणु लिंगड कमिशन जहाँ जहाँ सब रेकमेंडेशन दे सबु नियम को पालन करने को सबू कलेज बाध्य केवल कथार सीमित रोचे सार तो भल भाव पालन करते मुझे जानी कितु कहीं बाध्यबाधकता कौटू केस्तववादी आम लिंगड कमिशन नियम पालन में किंवा किसी खाली केवल कागज में लिखित सीमित रहे लेखार और पालन करना कौट बाध्यबाधकता रुहे मुझे विषय तो जानी ना ये पालन करे मुशा करु समस्ते सब कलेज यहाँ पालित होबोध सर आपको आसवि बास्तववादी कथ पचार लिंगड कमिशन जो नियम अच्छे 75% कथा किसी जार अभोग हुए आप किसी कैंडिडेट फर करी आपन नुंती आप बर्तमान बिलंग करुंच सारा कम्युनिटी को कलेज एंड यूनिवर्सिटी कम्युनिटी को तो सही गोटे अभोग आसे कहार गोटे 60% अच्छी आप 70% करदे अभोग सतरे कौन हुए एमती सर एक्चुअली जब एमती होता बोधे कौन महाविद्यालय एत भावलेंस हिंसा हो नाता लिंगड कमिशन रिपोर्ट को पालन करने को जा 75% अटेंडेंस को ग्रहण करने को जा अनेक पिलांकर प्रार्थीपत्र नाकच होगा से हिंसा घटी सब जगह पालन करें जो नाकच है से पिलाटी कौन जानी तार 75% क्रिमिनल बैकग्राउंड नथिबो कि आगु ठिया से कैंडिडेट जीति न तो से कहीं नॉमिनेशन दाखल कला गोटे कनसल्टिंग आप हूं ना पूर्व गोटे कनसल्ट हवा दरकार जो कौन कैंडिडेट हो गोटे काउंसलिंग की गोटे पूर्व काउंसलिंग हवा दरकार सबू पिलादेव दरकार परीक्षा देवाक 75% अटेंडेंस दरकार लिंगड कमिशन ठीक से कथा कही प्रति पिलांकु ए विषय आगुरु काउंसलिंग करेबा दरकार आम महाविद्यालय से कथा आगुरु करा जाई पिलामानंकु ता छड़ा आम महाविद्यालय छात्र छात्री मैंने बहुत नियमित सेमाने ठीक समय आसंती एवं क्लास अटेंड करंती ए काउंसलिंग हेथिबार आमे आज सफलतार फेरबी बर्तमान गोटे विरती नबू आम गोटे जमी कमर्सील विरती नबू तापर आम फेरबू और आलोचना करवा बर्तमान पिलामानकर जो लिंगड कमिशन कथा आसला कि पिलामानको प्रार्थीपत्र नाकच और तापर जो गंडगोल कथा आसला आलोचना करवा द्वितीय पर्यायर बर्तमान नवागढ़ छोट विरती।